गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है ये जो सुजुकी कंपनी की बाइक है सुजुकी स्लिंगशॉट प्लस। आज हम आपको इसका जो इग्निशन सिस्टम है उसके बारे में जानकारी देंगे। फ्रेंड्स इसकी जो प्लग की जो वायर थी उसमें करंट नहीं आ रहा था और वो हमने कैसे चेक किया। फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये एक 125 सीसी का इंजन है और ये एक डीसी इग्निशन वाली बाइक है। और फ्रेंड्स ये आप नोट कर लीजिए, इसमें जो सीडीआई है डेंसो कंपनी का आता है और इसका पार्ट नंबर है 32900-05J01। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अब हम आपको इसकी वायरिंग की जानकारी देने जा रहे हैं। फ्रेंड्स ये जो टू पिन का कपलर है इसका जो एक पोर्ट है वो जो इन्होंने बंद की हुई है और ये जो ब्लैक में ग्रीन कलर की वायर है ये टीपी सेंसर की है, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर। और फ्रेंड्स ये देखिए ये जो रेड कलर में ये जो वाइट रंग की पट्टी है ये 12 वोल्टेज की है। और फ्रेंड्स ये देखिए ये जो ब्लैक कलर में वाइट कलर की पट्टी है ये जो बॉडी अर्थ है। फ्रेंड्स सुजुकी की आज तक तो मैंने जितनी भी बाइक्स देखी हैं जहाँ जो सुजुकी असिस है या सुजुकी स्विस है और असेस, इन सब में से ये जो ब्लैक में ये जो वाइट पट्टी होती है ये कंपनी इस वायर को ज़्यादातर ग्राउंड ही यूज़ करती है। और ये जो ब्लू कलर में येलो कलर की पट्टी है फ्रेंड्स ये जो मतलब पल्सर कॉइल है जिसको हम पिकअप कॉइल बोलते हैं। और फ्रेंड्स इसके साथ में ये जो वाइट कलर में जो ब्लू रंग की वायर है ये इग्निशन कॉइल में जाती है जिसको देसी भाषा में बटला कॉइल भी बोलते हैं, ये जो एचटी कॉइल है और इसमें जाती है। फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं इसका जो स्टेटर अल्टरनेटर का जो डायरेक्ट जो करंट है स्टार्टिंग करने के लिए ये जो पिकअप कॉइल और ये जो अर्थिंग कॉइल इसमें आता है। और ये जो वाइट कलर में ब्लू रंग की पट्टी है इससे सीधा ये जो है सीधी इसमें एचटी कॉइल में आती है और एचटी कॉइल की ये जो सीधी प्लग में वायर जाती है। ओके फ्रेंड्स, और ये जो टीपी सेंसर है इसका स्टार्टिंग के साथ कोई संबंध नहीं है। अगर आप कभी भी बाइक स्टार्ट ना हो सबसे पहले आपने देखनी है कि इन दोनों को मल्टीमीटर के साथ आपने चेक कर लेना है। अगर ये 247 के समथिंग अराउंड इसकी जो रीडिंग आती है तो आपने समझ जाना है कि जो पिकअप को जो कॉइल है इसकी बहुत अच्छी है और वो जो है आपको स्टेटर जो है उसको ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें करंट आ गया तो आपने सिंपल चेक करना है ये जो इसकी जो आउटपुट है ये जो वाइट में ब्लू रंग की पट्टी है कि इसमें आउटपुट आती है। अगर इसमें आउटपुट नहीं आती तो भी इसको मतलब जो है हम ख़राब मानते हैं सीडीआई को। और उससे पहले सबसे पहले हमने ये देखना है ये जो रेड कलर में जो वाइट कलर की पट्टी है इसको ये जो ब्लैक में व्हाइट कलर में पट्टी है इसके साथ शॉर्ट करके देखना है कि इसमें 12 वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही है। और फ्रेंड्स हमारा ये जो सिंपली जहां पर सॉल्व होगी प्रॉब्लम ये जो ब्लू कलर में ये जो व्हाइट कलर की पट्टी है इसमें 12 वोल्टेज नहीं आ रही थी, इसमें क्या प्रॉब्लम थी, जो इसका जो ये जो इग्निशन स्विच है वो जो ख़राब हो गया था और हमने इसको डायरेक्ट किया है और फिर इसमें जो करंट है वो जो आना शुरू हो गया। और फ्रेंड्स अब हम आपको इसकी मेन स्टेटर की जो वायर हैं वो भी बता देते हैं। और फ्रेंड्स ये देखिए ये जो स्टेटर में आती है ये जो वाइट कलर में रेड कलर की पट्टी है ये चार्जिंग कॉइल है जिसके साथ हमारी बैटरी चार्ज होगी। और ये जो येलो कलर में वाइट रंग की पट्टी है ये लाइटिंग के लिए यूज़ होती है। और सिंपल फ्रेंड्स ये देखिए इसमें ये जो कपलर है ये जो ब्लू में येलो कलर की पट्टी है ये पिकअप कॉइल की है और ये जो ब्लैक में वाइट कलर की पट्टी है ये जो ग्राउंड है, बस फ्रेंड्स इसमें और कुछ नहीं है। और फ्रेंड्स अगर आपका ये जो शॉर्ट हो तो सिंपल आपने ये जो इसका ये जो सीडीआई यूनिट है इसको ही चेक करना है और इसमें और कोई भी चीज़ को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सो धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ इतनी जानकारी देना चाहते थे, थैंक यू।